सफल ढंग से टूर्नामेंट करवाया और करनाल की जनता के लिए किया। देऊंगा और देनी भी चाहिए क्योंकि सभी दे रहे हैं, मैंने नहीं दी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं पंकज नैन जी को आईपीएस अधिकारी होती है जिंदगी, मौसम कोई भी हो रहे चर्चे बाहर के, आपके रहते हुए हमेशा करनाल हमारा प्रगति में रहा है, अमन अमान की जिंदगी। जनता है वो सहयोगी के रूप में प्रशासन के साथ काम करती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है उस प्रशासन रूपी बिल्डिंग के बहुत से पिलर हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर होते हैं मुखिया के रूप में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक के अंदर आपसी एक जो सामंजस्य रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ रोहतक में तो बहुत जल्दी शुरू हो ही जाएगी, लेकिन अलग अलग जगह से अगर पंकज को बुलाए रागिनी के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपर्टीज से दूर होने वाला कोई, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात होगी, चाहे वो कार फ्री डे की बात हो। आज करनाल में एज एसपी आखिरी दिन है और अब एक नए जिले में मैं पोस्टिंग के लिए जा रहा हूँ। करनाल के तमाम नागरिकों का, यहाँ की प्रेस का, यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने व्यक्ति हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरा यहाँ लगभग 1.5 साल का टेन्योर रहा, सबने अच्छा सहयोग दिया और आपके सहयोग की वजह से ही जो भी हम काम कर पाए उसमें हर एक काम में यहाँ पर एक हमने सफलता हासिल की। तो दोबारा मैं आपसे करनाल जिला के पुलिस अधीक्षक रहे पंकज नैन के ट्रांसफर के बाद जो है जिले भर के तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से विकास सदन में जो है एक सम्मान समारोह और विदाई समारोह का जो आयोजन किया जा रहा था। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पंकज नैन की जो है फेयरवेल पार्टी का जो है पर आयोजन सामाजिक संस्थाओं की तरफ से किया गया था, जिसमें तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जो एसपी रहे हैं पंकज नैन, करीब 1.5 साल का उनका समय रहा, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर एक विदाई समारोह का जो है आयोजन किया गया था, जहाँ पर पंकज नैन के साथ साथ जिला उपायुक्त और तमाम जिले भर की तमाम सामाजिक संस्थाएं जो है उनके साथ ही। गौरतलब है पंकज नैन को जो है रोहतक का एसपी बनाया गया और उनकी जगह झज्जर से जसवदीप सिंह रंधावा जो है नए एसपी करनाल में होंगे, जो 2 तारीख को जो जानकारी मिली है कि 2 तारीख को वह ज्वाइनिंग करेंगे। कमल बिजार, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। पर मैं अपना लाइफ का गोल्डन पीरियड जरूर कहूँ। सीएलजी का जैसे बात कर रहे हैं कि इस पीरियड में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं कि 167 कंप्लेंट आई, करीब इस 1.5 साल में आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे करनाल के जितने पुलिस स्टेशन थे 1700 के करीब कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ हुई। तो आप 1700 कंप्लेंट्स मतलब 1700 लोगों को सीधा पुलिस की इंटरवेंशन के बगैर आप लोगों ने उनके लिए भलाई का काम कर दिया। तो जहाँ इतने अच्छे लोग होंगे जितने गंदे से मतलब मिलाकर काम करेंगे तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। ये वही बिल्डिंग है इसके पड़ोस वाली, जहाँ से पहली लगभग इंटरेक्शन आप लोगों के साथ शुरू हुई थी। शहर के सभी लोग आए थे 1.5 साल पहले, हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और मैं सबसे ज्यादा यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर गया हूँ या अच्छी यादें जो लेकर जा रहा हूँ, जो पुलिस का मेजर काम होता है, जहाँ तक एक ट्रेडिशनल पुलिसिंग हमारी हम लोग सीमित रह जाते थे, तो सबसे खुशी की बात यह है कि अब कोई इस तरीके का बोझ यहाँ से नहीं मैं लेके जा रहा कि कोई हीनियस क्राइम हमारा इस शहर का अनट्रेस पड़ा हो या कुछ इस तरीके का बात हो, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं। और इन सब में आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा। सहयोग की मैं बात इस तरीके से कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये एनालाइज करता हूँ कि पुलिस की वजह से या पुलिस के अगेंस्ट लोगों ने मुश्किल से 3 या 4 बार आवाज उठाई होगी या रोड जाम किया होगा, जो बाकी जिलों में एक्सपीरियंस करता था कि हफ्ते में 2 बार होता है कम से कम। तो ये आप लोगों का प्यार था यहाँ पर, जिस वजह से हम ये सारी चीजें अचीव कर पाए। इस रूम में, जो साइड वाले रूम में हमने राहगिरी की जब शुरुआत की थी आप लोगों के साथ मिलकर, वो बड़े अच्छी हाइट्स पे, बड़े अच्छे कल्पिनेशन पे पहुंची। और अभी पीछे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गुड़गांव में आए, तो राहगिरी से जो टैलेंट एक उभर के आया था हमारा राधे, मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की स्पेशली कि प्रधानमंत्री जी के सामने उनका प्रोग्राम दिखाना है।
तो सोचिए गरीब घर का बेचारा बच्चा जिसको कहीं कुछ नहीं मिला था और देश के जो सबसे बड़े हैंडीकैप थे वो दोनों पांव से, उन्होंने वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया। तो ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो इसमें साथ था वो दिखाता है। कार फ्री डे के बाद हमारा मेजर टारगेट ये रहा कि शहर में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को हम लेकर आए और साइकिल के लिए सांझी साइकिल के नाम से ये जो एक प्रोसेस शुरू हुई, ये नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा पीबीएस सिस्टम था और इसको पिछले महीने केंद्रीय सरकार ने देश भर में जो सबसे बढ़िया एनएमटी प्रोजेक्ट है उसके रूप में सम्मानित किया। ये भी करनाल के लिए, ये सहयोग, ये प्यार आप लोगों का बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। आज आप लोगों के बीच से एक एसपी के रूप में तो जा रहा हूँ, पर आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का आप जिस भी नाते से ले, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग नाते हैं, वो हमेशा बना रहेगा और मैं अपने दिल से करनाल को कभी नहीं निकाल सकता। और आप लोग ट्रांसफर एक पार्ट है जो का, और लगभग समय पूरा हो चुका था, जाना ही था पिछले एक दो महीने से, खैर प्रोसेस चल रही थी, थोड़ा किसी कारण से डिले हो गया, पर एक अच्छी यादें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों की बहुत ही प्यारी यादें मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। एक और चैलेंजिंग जिला मिला है हरियाणा में, अगर हम बात करते हैं सबसे चैलेंजिंग जिला कौन सा, तो रोहतक का नाम आता है। वहाँ काम करने के लिए मिला है तो बड़े चैलेंज के साथ साथ जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो इतना काम आएगा कि उस चैलेंज को भी आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मैं चाहूंगा कि ये प्यार जो हमारा है, ये हमारा जो दिलों का रिश्ता है, ये हमेशा बना रहे। लास्ट बात जो मुझे लग रहा है कि मैं मिस करूंगा वो है एक अच्छे बड़े भाई या एक अच्छे डिप्टी कमिश्नर का जो एसपी के साथ रिलेशन होता है। लगभग ये छठा जिला था मेरा और ऐसा एक्सपीरियंस इतना अच्छा कहीं नहीं रहा मेरा, इस चीज को मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। एक जहां पर कहीं पर भी एक एसपी को डिप्टी कमिश्नर की दिन रात जरूरत पड़ती है और बगैर पूछे मैं इनसे इनके बिहाफ पे डिसीजन लेता था, वो कोऑर्डिनेशन लेवल था। और ये सचमुच ही मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मिस करूंगा। एक सबसे पहले जब मैं सर्विस में आया था, सबसे पहला जब जिला ज्वाइन किया था, तो तब से हमारा साथ है और बड़ा अच्छा रहा कि यहाँ पर इस जिले में इस साथ को हम और आगे लेकर गए। तो विशेष रूप से मैं डी साहब का यहाँ पर इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 6-7 महीने जब भी आपके साथ रहा तो बहुत ही अच्छा पीरियड में अपनी लाइफ का जो सर्विस का है इसको बयान करूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दोबारा यही बात करता हूँ कि करनाल से एज एसपी जा रहा हूँ, पर आप लोगों का भाई हूँ, ये हमेशा ही रहूँगा। और आप लोग करनाल में नहीं भी बुलाओगे तब भी जबरदस्ती आते हैं।